देख दे आप देख रहे हैं वालेकुम आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ हफ्ते का आगाज और आगाज के साथ ही जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर आज तस्करा करेंगे आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यकीन तौर पे Uh, कुछ ज्यादा मुस्बत नहीं है सबसे पहले आज प्रोग्राम में तस्करा करेंगे सबक सदर पाकिस्तान और सबक आर्मी चीफ जनाब परवेज मुशरफ साहब का जो जिन्होंने हफ्ते और इतवार के ही शब वफात पाई और उनके हवाले से उनका दौर कैसा रहा उन्होंने क्या कुछ पाकिस्तान के लिए खिदमत की उनके दौर में क्या सही हुआ क्या कुछ गलत हुआ या क्या, क्या कुछ बेहतर हो सकता था उस हवाले से तस्करा करेंगे और साथ में एक और बहुत ही एक दिल खराश वाक्य आज हुआ उसके हवाले से गुफ्तु करेंगे वो ये है कि जो तुर्किया है और तुर्किया के अतराफ़ के जो ममालिक हैं उनमें जो उसके बारे में अंदाजा लगाना भी इस वक्त मुश्किल है कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई माली तौर पर तो जो कि बड़े खिते को लेकिन जानी नुकसान की अगर बात की जाए तो इस वक्त किसी भी तौर पे उसका तकमीना लगाना बहुत मुश्किल होगा मेरे साथ प्रोग्राम में गुफ्तु करने के लिए शामिल होंगे हमारे बड़ी हरद हरदल अजीज मेहमान और सीनियर सहाफी तजिया का जनाब जहांगीर सही साहब मैं जहांगीर साहब को वेलकम करता हूँ शो में बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब जरा परवेज मुशरफ साहब के हवाले से गुफगुओ का आगाज करते हैं जनरल परवेज मुशरफ एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान में बहादुरी और शुजात के हवाले से बड़े सारे मामलों पे लीड किया खासतौर पर अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी की बात करें उनका हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर के कदम रखना मुख्तलिफ जो उन्होंने जंगे लड़ी और अहम जंगे लड़ी उसके हवाले से मेरे ख्याल से परवेज मुशरफ साहब का कोई सान नहीं मिलता और एक और बड़ी अहम बात परवेज मुशरफ साहब की ये रही कि अपने दौर में जब वो आर्मी चीफ थे जब वो सदर पाकिस्तान थे और उसके पहले भी और उसके बाद भी उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से जो चांस रखा वो बड़ा क्लियर था और इवन आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से जो मौका था हिंदुस्तान में बैठ के भी दिया हिंदुस्तान को आंखों में आग डाल के बताया कि वो क्या कहां गलत जा रहा था और पाकिस्तान ने उसको कहाँ सबक सिखाया तो यकीन तौर तो पे एज अ लीडर एज अपार के ए बड़ी पे जी उन राज जब इंसान मुसलमान गुजरता है तो हम यही पढ़ रहे होते हैं कि अल्लाह ताला वो जो हर एक को लौट के जाना है उसकी तरफ और ये भी चले गए अपने जो भी कुछ इनके अमाल थे अच्छाई बुराई के साथ माइनस प्लस दोनों ही रहते हैं तो ये तो ले चले गए अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर है वहाँ इनको जवाबदेह होना है और यहाँ ये कहा ये जाता है कि चूँकि ये एक आमिर थे इन्होंने अकतदार पर कब्जा किया था तो यहाँ थोड़ा सा आप सब्जेक्टिव बात करें मशरूत होकर बात कर अगर करें तो उसमें यहाँ पे नज़र आता है कि ये जो जमहूरी कुतें कहलाती हैं इनकी नर्सरियाँ भी वही होती हैं और आप ये जो है कि आप ये नीम अगर अस्करी हैं तो वो पूरे खुल के अस्करी होते हैं तो इस एतबार से भी आप ये देखें कि हमारा तो कल्चर ही है अयुब खान के ज़माने से पेहिया आए, पे ज़िया आए फिर जनरल मुशरफ आए और उनका तवील तीस साल का वो है उसके बाद जो जमहूरी क़वतें आई हैं जमहूरी और इलेक्शन के ज़रिए भी आई हैं उसमें भी इंजीनियरिंग की शिकायतें रही हैं और नतीजतन हुआ ये है कि आप उसको नीम दौर कह दें अगर ये इस तरह क्योंकि इन्होंने तो और इनकी अपनी जमातों में जो है वो आमिरियत है नहीं इनके इलेक्शन होते हैं सर ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आप ब्ल्टली अगर ये कह दें कि वो इकदार में आया था और उसको जो है सज़ा भी हुई थी उसने तो आर्टिकल सिक्स भी उसके ऊपर लगा था और उस और, और उसको बचा के ले अपनी तरह अपनी जगह पे जो भी कुछ बातें की जाती है लेकिन, कल... हाँ, तो जा, जा, लेकिन तो जिसका तस्करा होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और जंग से अगर मैं की जिंदगी के ए कुछ हिस्सों की बात करूं एक वो दौर था जब उन्होंने एज ए सोल्जर बैटल फील्ड में मुकाबला किया दुश्मनों का दुश्मन की आंखों में आग डाल के बड़ी जवाब मर्दी के साथ उन्होंने दुश्मन के हर वार का जवाब भी दिया और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया वो जो दौर था एज अ सोल्जर जब वो आर्मी चीफ बने तब भी उन्होंने बहादुरी और शुजात की मेरे ख्याल से तो जो मिसाल कायम की वो दुनिया की हालिया तारीख के जितने भी जनरल हैं उनमें वो आ, मिसाल नजर नहीं आई क्योंकि आप एज अ सपा सालार होके आर्मी चीफ होके खुद आप दुश्मन की जो बॉर्डर हैं उसके अंदर दाखिल हो जाए वहां पर कयाम करें वहां पे वक्त गुजारें और अपने जो जो ट्रूप्स हैं उसका फ्रंट लाइन पे जाके आप उसका साथ भी दें ये बड़ा एक खासा रहा है मुशर्रफ़ साहब के हवाले से नहीं ये ठीक है कि कमांडो ग्रुप से उनका ताल्लुक था और जो जाहिर है कि वो तो कुछ आगे ही बढ़ के सेक्रीफाइस करते हैं और फ्रंट लाइन पे जो है वो लड़ रहे होते हैं सारी चीज़ें तो उनके पास थी और उनकी उसकी तरबियत भी हासिल थी और उसी अंदाज में वो गुफ्तु भी करते थे इस वजह से उन पर गहरे जो इल्ज़ाम आए और जो उनको कहा गया है तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उन्होंने जो है कुछ ऐसे इकदाम किए जो नहीं होने चाहिए थे अगर ये सारी चीजें हम जमा कर लें जैसे कारगल है कारगल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो दरअंदाजी की और उसकी बंदी नहीं की और जमहूरी कुतों को उससे आगाह नहीं किया अब, अब, वहां जो है नवाज शरीफों के, के अपने जमुरी तो वो कहते हैं ना कहते कि उन्होंने ऐसे शिकस्त में बदल हुँ. गई ये भी बात है लेकिन अब ये मिली जुली कैफियतें हैं लेकिन कराची के हवाले से कहा यह जाता है कि एक अरब रुपए उन्होंने वो जो है ना फंड किया था और उसके नतीजे में कराची में इतने पुल बने सड़कें बनी तरक्की हुई अब और पानी का भी इंतज़ाम हुआ वाटर एंड सेवरेज का हुआ बहुत तो कराची वाले कहीं कंफर्ट नज़र आते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि वो कराची में ही पैदा हुए थे तो उन्होंने कराची की खिदमत की है, ये ऐसा है या नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब के बाद के लिए कहें कि भाई लाहौर गए हैं तो लाहौर को उन्होंने जगमगा दिया है पता नहीं इसके पीछे क्या है हक़ अगर ये लेकिन ये अपने रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि उन्होंने कराची के लिए एज़ कंपैरेटिव इसलिए भी किया कि यहाँ बेचैनी बहुत थी हुँ. और ये जो हब है ये शहरग है मीषत की शहरग है इसकी इसके लिए कुछ करना और, चाहिए और एक चीज ऐड भी करते हैं जांगिर साहब इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं जो माशी कश्मकश में इस वक्त पाकिस्तान नजर आता है जब सन उन्नीस सौ निन्यानवे की बात करें तभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ही खराब थी और उसमें फिर एड ऑन कर ले वो जो नाइन का वाक्य था उसमें बड़े सारे माहरीन

जो चीज नजर आ रही है वो ये है बजायर के आ, दौर कुछ तब्दील हुआ लेकिन हालात तब्दील नहीं हुए ये हालात अब लगता है तब्दील हो सकते हैं क्योंकि उस वक्त की जो लीडरशिप थी शायद उसके पास ज़्यादा पावर थी ज्यादा इक्तिर थे उसने शायद इस चीज का तजुर्बा ना होते हुए भी टर्न आउंड कर दिया आज की लीडरशिप का तजुर्बा मौजूद है तजुर्बा है एक जो वो तो उनका तजर्बा नजारा है हमारा तजर्बा आवाम का तजर्बा तो भी पूछे कितना तजर्बा है है अगर उनका कुछ तजर्बा है तो तीस साल का हमने भी तो भुगता है हम भी तो आवाज जारी कर रहे हैं तो ठीक है तो कंपेयर कर लेते उनका तजर्बा है कि उन्होंने उन्हें इकतदार मिलता रहा हमारा तजर्बा है कि हम भूख से भूख से भूख से, से नीचे तर होते दे चले दे जा, जा रहे हैं अब हमारी क्या हैसियत रही है ऐसे तजर्बों को हम क्या नाश करें तो आप कहते हैं अवाम हमारे साथ है मुझे यही नहीं समझ में आवाम होते क्या है बेचारे कौन है वो जो डूब रहे हैं वो आवाम है या नहीं है? कैसी करते है? है भारी होता है और अमल कामयाब नजर आना चाहिए आ, अमल की आपने बात की एक और अमल भी था का, कि उन्होंने मीडिया को आजाद किया काफी अरसे तक मीडिया को जंजीरों में जकड़ा रखा आ, उस वक्त के हुक्मरानों ने बाकायदा उस वक्त के जो बड़े अखबार थे उनके ऊपर पाबंदियां आयद की सहाफियों के लिए उसको भी बड़ी सारी मुश्किल थी लेकिन जिसको आमिर कहा जा रहा था उसने बजाय जो रिवायत थी उसको तब्दील करके कर रख दिया उसने मीडिया को आज़ाद कर दिया उससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ बल्कि जो जॉब क्रिएशन थी एक नई इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि रिवाइव होती हुई दिखाई दी और इसके बाद आज भी अगर हम मीडिया और आजादी सहाफत की बात करें आजादी इजहार की बात करें तो सूरत वैसी नजर नहीं आती देखने दि, दि, और कहने को तो हम सभी आजाद नजर आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम पे इतनी सारी पाबंदी है जिसको आप और मैं हमेशा जब गुफ्त करते मोहतात होते हैं देखिए कहा भी यह जाता है कहा यह जाता है कि जो है वहाफती आजादी थी बोलने की आज़ादी थी लेकिन जो इस तरह के होते हैं जो पावर एलिमेंट होते हैं ये ये तो आमिरत के रास्ते से आए ना तो इनके वैसे पहले काबू करते हैं और जब काबू करके जो काबू जब आ जाते हैं तो फिर जो है वो उनके काबू में बातें कर रहे होते हैं लेकिन वो ऐसा लगता है कि बहुत आज़ादी है लेकिन बड़े फ्रेम फॉर्मेट में बातें कर रहे हैं लेकिन मजा ये है कि ये जमहूरीवतों ने इनको आज़ाद क्यों नहीं छोड़ा उससे ज़्यादा जलील करके रखा हुआ है इमरान खान को देख लो ये नवाज शरीफ को देख लो पी का लेके आ गए हैं ये पी का क्या है कौन बनाने वाला कब पी के बैठा था कि उसने इतना जालिमाना ये जो है ना लगाया और जिस दौर में वो बड़े जमहूरियत के कायल हैं इमरान खान और जो अभी जो है उसमें मजीद जो वो तरमीम होनी थी कुछ भी नहीं हो रहा अब वो उससे खेल नहीं सियासी इंस्ट्रूमेंट लेकिन परवेज मुशर्रफ के बारे में एक बात तो खत्म है जिसमें ये डिस्कस ही नहीं की जा सकती है और उनके बड़े बड़े नाकदी जो है खामोशी कर लेंगे बाख्तार एक तो बलदयाती एक तो निजाम एक्टिव ही नहीं था, था ही नहीं और जो उन्होंने सिस्टम दिया और जो है और उसके बाद उसको फाल बना के और एक निजाम निजाम दे ये बड़े नहीं उसके नतीजे में कुछ दिन चल गया अब जो गैप आए हैं उसके नतीजे में हमारे सारा एंड वाटर सब कुछ बैठ गया हमारे पुल दोबारा हमको पे। इसको पुर करना चाहिए और अगर पॉलिसीज अच्छी हो तो की। की। की हो चाहे वो किसी बादशाह शहरी हुकूमत का मतलब ये होता है सिटीजन हुकूमत का मतलब ये नहीं होता कि शहर में होने वाली हुकूमत सही बात शहरियों की हुकूमत

होते हैं कि अगर वो होगा तो एक सारे मामला बेहतर चल सकेंगे प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो आलमी सतह पर बहुत कुछ हो रहा है जहां पे जियो पोलिटिकल तब्दील हो रहा है वहां पे माहौलिया तब्दीलियां तौर पे इस बात को और ज्यादा परेशान कौन बना रही है कि आगे चल के क्या होगा तुर्किया में जो कुछ हुआ उसके बाद जो नत्ज इस वक्त नजर आ रहे हैं जो मनाज़र देखे जा रहे हैं उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा लेकिन उसको बात करने की कोशिश करेंगे ब्रेक लेते हैं ब्रेक